सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भावना एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभावरणि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहा देख हरस कपिराय। पूरी लंका में इतना सुंदर नजारा नहीं मिला। आज हनुमान जी ने क्या देखा कि एक कुटिया बनी है जो घास की कुटिया है। सारा तो सोना चांदी का था पर ये घास की कुटिया है। और जानते हैं सिंपल कुटिया थी, सामने द्वार पर लिखा, द्वार के इस तरफ लिखा था रा और इस तरफ लिखा था मां। राम रामायुध अंकित ग्रह, शंख और चक्र का निशान, धनुष और बाण का निशान, शोभा वरणी न जाई, इतनी सुंदर शोभा। और सामने आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। हनुमान जी समझ गए कि लंका में ये जरूर किसी भगत का घर है। देखिए भक्तों के घर की भी एक पहचान होती है। नया घर बनवाओ तो अपने घर के घर में क्या लिखवाना चाहिए? भगवान का नाम लिखवाना चाहिए, भगवान का नाम। हनुमान जी, आजकल आप लोग घर बनवाते हैं ना बड़ा, और घर के सामने आप भगवान का नाम तो लिखवाते नहीं है, लिखवा देते हैं कुत्तों से सावधान। आजकल आदमी बड़ा घर बनवाता है और घर के सामने लिखवा देता है कुत्तों से सावधान। इतना करोड़ों रुपया लगाया घर में और कुत्तों के लिए बनवाया, बताओ लिखा कुत्तों से सावधान, मतलब यहां कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं, लिखा ही कुत्तों से सावधान। इस घर में रहता कौन है? सिंपल, उसका मीनिंग यही है। क्या मीनिंग है बताओ? जिसके घर में लिखा है कुत्तों से सावधान तो आदमी क्या सोचेगा इस घर में कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं, सिंपल है। इसमें ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। इसीलिए अब देखो आदमी जानकर, इंसान भगवान ने तुम्हें बनाया और तुम ही कुत्ते बनते फिर रहे हो तो भगवान क्या करे? भगवान भी सोचते होंगे राम राम मैंने इन्हें क्यों इंसान बनाया, जब इन्हें कुत्ता ही बनना था तो मैंने क्यों नहीं बनाया, अगले जन्म में इनका नंबर जरूर रहेगा। पर इतनी तो अक्कल होनी चाहिए। अरे जब घर बनवाओ तो घर के सामने भगवान का नाम होना चाहिए, शंख और चक्र होना चाहिए आपके घर के द्वार पर, और बिल्कुल फ्रंट में तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा होना चाहिए, छोटा सा तुलसी। आदमी जाए तो तुलसी पर नजर पड़े, आपके घर में लिखा हुआ हो सीताराम राधे श्याम, हैं आपके घर में लिखा हो जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ऐसा भगवान का नाम हो। रावण, अच्छा विभीषण के द्वार पर ना इस तरफ रा लिखा था, इस तरफ माँ। रावण आता था ना और पूछता, क्यों रे विभीषण, ये तेरी कुटिया में राम क्यों लिखा है? विभीषण ना बड़ा डर डर के रहा करता था लंका में। रावण के चाटुकार मंत्री, रावण के चाटुकार मंत्री जो थे ना, विभीषण की चुगली कर देते थे। और रावण आता, क्यों रे विभीषण, ये तूने क्या लिखा है ये द्वार पर? राम लिखा है क्या, मेरे दुश्मन का नाम? तो विभीषण बोलते, ना भैया ये राम नहीं लिखा, राम मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपकी पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करते थे विभीषण जी। रामायुध अंकित ग्रह, जिनके घर में राम नाम लिखा है धन्य है वो घर, जिनके घर में जय श्री मन्नारायण लक्ष्मी नारायण लिखा है धन्य है वो घर। अरे घर में जाए तो जाती पहले दर्शन पहला भगवान के नाम पर नजर पड़े तो राम का नाम हृदय से निकल आए, वही तो घर घर है। जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में शालिग्राम भगवान ना हो, लड्डू गोपाल जी ना हो, और जिस घर के द्वार पर भगवान का नाम ना हो, वो घर घर थोड़ी है, उसे शमशान ही कह लो तो कोई बुराई नहीं है, वो शमशान है। इसीलिए घर में तुलसी का होना, भगवान का नाम होना, और शालिग्राम ये लड्डू गोपाल जी होना। जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं, शालिग्राम जी नहीं, तुलसी नहीं, इस घर का तो पानी भी पीना पाप है। ऐसों के हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए जिसके घर में तुलसी ना हो।